दोस्तों आप सभी का मैथ बाई सारसर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। डियर फ्रेंड सब्सक्राइब नाउ फॉर मोर वीडियोज। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो सेशन होगा वो स्टेट के मैथ पोर्शन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके लिए किया जाएगा। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से देखें, जिन्होंने स्टेट का फॉर्म भर रखा है, 6 तारीख PRT का एग्जाम है, उन सबको बेस्ट ऑफ लक। आओ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज के सेशन में, 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुना है। 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुना है तथा उन अंकों के गुणा की 3 गुना है। तो संख्या बतानी है। देखो दोस्तों, इसमें कुछ भी कोई ट्रिक नहीं है या कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है, बस सिंपल आपको देख के करना है। ये कह रहा है वैसे काम करो, 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुना है। तो अंकों का योग करके देखो, यहाँ पर 2 और 1 3 हो गया 3, यहाँ पर 2 और 2 हो गया 4, यहाँ पर 4 और 1 कितना हो गया 5, और 2 और 4 हो गया 6। 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुना है, यानी ये जो अंकों का योग है 3, इसका 4 गुना कुछ संख्या होनी चाहिए। तो 3 का अगर 4 गुना करेंगे, 3 चौके 12, ये खुद आ गई। यहाँ पर 4 देखो कितना गुना बताना हमें, अंकों के योग की 4 गुना। इसको फिर 4 से गुना करो तो 4 चौके 16 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। फिर इसको 4 से गुना करो, 4 5 20 आना चाहिए था, ये भी नहीं हो सकता। इसको फिर 4 से गुना करो, 4 6 24, यानी ये दोनों ऑप्शन हमारे पास मिल चुके हैं। अब दोनों में से एक सिलेक्ट करना है, यानी 2 तो ऑलरेडी हट चुके हमारे पास कि अंकों का जोड़ करा, पहले 2 और 1 3, यहाँ पर 2 4 6। अब इसका 4 गुना वो संख्या है, तो 6 चौके 24 भी संख्या है, 3 चौके 12 भी संख्या है। अब आगे स्टेटमेंट बढ़ते हैं, तथा उन अंकों के गुणा की 3 गुना है। अब अंकों का गुणा भी करना पड़ेगा, यहाँ पर गुणा आ जाएगा 2 एकम 2, और यहाँ पर अंकों का गुणा आ जाएगा 4 दुनी 8। अब अंकों के गुणा का 3 गुना, तो अंकों का गुणा कर लिया, अब इसका 3 गुना खुद संख्या होनी चाहिए, 3 दुनी 6, ये संख्या तो नहीं आ रही, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये हमारा बच गया। इसका 3 से गुणा करो, 3 8 24 ऑलरेडी आ चुका दोस्तों, ऑप्शन हमारे पास है यही है। तो सबको आया समझ में, तो बस क्वेश्चन को देख कर ही हम आसानी से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, दोस्तों 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग या जोड़ 9 है तथा इसके अंक पलटने से प्राप्त संख्या 9 अधिक आती है, तो संख्या बतानी है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना दोस्तों हमें, सिंपल सी बात है कि जो स्टेटमेंट है उसी पे काम करना है। स्टेटमेंट हमारी है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का जोड़ 9 है। सबसे लिए चेक कर लो इनमें से किसका जोड़ 9 है, 7 और 2 9, यहाँ पर जोड़ 9 आ रहा है दोस्तों। 4 और 5 9, यहाँ पर भी 9 आ रहा है। 3 और 2 5, यहाँ पर 9 नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 4 और 2 6, यहाँ पर भी जोड़ 9 नहीं आया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इन 2 ऑप्शन ऑलरेडी हट चुके हैं हमारे पास, बचे कितने 2। अभी इनमें से चेक करना हमें, अभी कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का जोड़ 9 है, तो यहाँ पर अंकों का जोड़ 9 हो गया, यहाँ पर अंकों का जोड़ 9 हो गया। आगे पढ़ो, तथा इसके अंक पलट दो। अब इसके अंक पलटेंगे, अभी क्या है 27 हो जाएगा पलटने पर, नहीं 72 है, तो 72 का उल्टा कितना हो जाएगा 27, यानी ये आगे वाला पीछे लिया और पीछे वाला आगे लिया, बस इसी प्रकार से ऐसा करो। इसके पलटो कितने हो गए, 5 आगे आ गया, 4 पीछे, अंक पलट दिए। तो अंक पलटने से प्राप्त संख्या 9 अधिक आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए 9 अधिक। अब देखो ये तो 72 थी, 72 से 27 से तो कम आई है, अधिक तो नहीं आई है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। देखो मैंने क्यों हटाया, 72 थी संख्या, अंक पलटी तो ये तो कम आ गई, 27 यानी बहुत ज्यादा कम आ रही है, यहाँ पर 9 अधिक आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए 9 अधिक, तो ये तो कम आ रही है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 45 को बदला चेंज किया, कितना आ गया 54 आ गया, ये अधिक आई है, और कितनी अधिक आई है 9 ही अधिक आई, चेक कर लो, 45 और 9 54, यानी 54 में से आप 45 घटाओगे तो 14 में से 5 के 9, 9 उत्तर आने चाहिए, 9 अधिकार ये बिल्कुल। तो दोस्तों ऑप्शन होगा हमारे पास ये। तो आया सब क्वेश्चन समझे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, द्विघाती समीकरण x² + 5x + 3 में मूलों का योग कितना है। मूलों का योग, अब पिछला स्टेट था दोस्तों उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन आया था, तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इससे पहले कुछ इसका बेसिक देखना पड़ेगा कि इसका बेस क्या है। सबसे लिए तो घात इसकी 2 होती है, उसको बोलते हैं द्विघाती समीकरण। जिस समीकरण में घात 2 होती है, पावर 2 होती है, उसको बोला जाता है द्विघाती समीकरण। उसको क्या बोला जाता है, द्विघाती समीकरण।
तो द्विघाती समीकरण में यहां पर घात हमारे पास दो, तो इसको क्या हो जाएगा, द्विघाती समीकरण है। तो जो एक्स स्क्वायर के आगे जो भी संख्या लिखी होगी वो हमारा दोस्त होगा एक का, एक की वैल्यू क्या होगी, एक की वैल्यू। यहां पर एक्स के आगे कुछ नहीं है तो क्या माना जाता है, एक। तो यहां पर हमारे पास है एक की वैल्यू आएगी एक। फिर जो ये स्क्वायर के आगे दिया, बगैर स्क्वायर के आगे, जो एक्स बगैर स्क्वायर का है उसके आगे जो भी संख्या होगी उसको माना जाता है बी, यानी हमारे पास बी की वैल्यू क्या होगी, फाइव। और जिसके पीछे एक्स या एक्स स्क्वायर या वाई कुछ भी नहीं होता वो होता है कॉन्स्टेंट, यानी कि सी। सी हमारे पास आगे कितना, थ्री। दोबारा देखो, जो एक्स स्क्वायर का क्या होगा उसको बोलेंगे, जैसे यहाँ पर फाइव एक्स स्क्वायर होता या थ्री एक्स स्क्वायर होता तो थ्री वैल्यू होती किसकी, एक ही। यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या माना जाएगा, एक। अब इस एक्स के आगे पाँच है तो बी की वैल्यू होगी, सी की वैल्यू कितनी होती नहीं, ये इसके आगे वाली ए की वैल्यू, इसके आगे वाली बी की वैल्यू, इसके आगे वाली सी की वैल्यू। दोस्तों मैं क्यों बता रहा हूँ, इसके लिए ध्यान से देखो, एक जनरल इक्वेशन होती है हमारे पास, फार्मूला होता है समीकरण का, वो ये होता है कि भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये फार्मूला होता है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या द्विघाती समीकरण का। तो ध्यान से देखना दोस्तों, अब जो मूलों का योग बताना में, तो सिंपल सी बात है, बस दो चीजें रखनी है, जो मूलों का जोड़ होता है, मूलों का जोड़ या योग, इसको नोट कर लेना सभी बच्चे, क्योंकि दसवीं क्लास के मैथ से टॉपिक लिया गया था, आई थिंक अब की बार भी रिपीट हो सकता है। तो मूलों का जोड़ होता है माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए यानी माइनस बी बाई ए। तो हमें बस माइनस बी बाई ए बताना और कुछ नहीं करना इसमें। तो बी हमारे पास मैंने क्या बताया था, जो एक्स आगे वो होता है, ए जो एक्स के आगे होता है, और सी जिसके पीछे एक्स वाई कुछ नहीं होता वही होता है। तो आपको बी माइनस बी यानी माइनस बाद में लगा दें, पहले बी ढूंढोगे, बी की वैल्यू कितनी है, फाइव, यानी बी की वैल्यू कितनी लिखी है, फाइव। तो आप यहाँ पर फाइव लिख दो, ये फार्मूले माइनस था माइनस लगा दो इस आगे, अपोन में ए, ए की वैल्यू क्या है कुछ नहीं, क्या मानेंगे एक। तो माइनस फाइव बाई एक यानी उत्तर आएगा माइनस का फाइव, क्या आएगा माइनस का फाइव। तो माइनस फाइव कौन सा है, ये रहा दोस्तों आंसर आपका। तो इसी प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे। आया सभी को समझे, एक क्वेश्चन और ही है, सेम टू सेम ऐसा ही रिपीट करते हैं, आप सभी को कोई प्रॉब्लम ना हो इसको समझने में, सेम टू सेम एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्विघाती समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 में मूलों का गुणनफल कितना होगा, मूलों का गुणनफल कितना होगा। अब ध्यान से देखना दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था जो x स्क्वायर के आगे होगा क्या होगा, कहलाएगा वो a, और जो x के आगे होगा वो b, और जिसके पीछे x अगर कुछ नहीं होगा क्या होगा, c। तो मैं यहां नोट कर लेता हूं, a की वैल्यू मेरे पास 2 है, b की वैल्यू कितनी है जो x आगे है वो 9 है, और c की वैल्यू कितनी है 7। अब चाहे मेरे को जोड़ बताना हो मूलों का या मेरे को मूलों का गुणनफल बताना हो, दोनों बता देंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, वो तो मूलों का जोड़ था, अब जो मूलों का गुणनफल होता है, मूलों का गुणनफल यानी गुणा, वो क्या होता है, थोड़ा अलग होता है दोस्तों, उसका फॉर्मूला ये होता है सी बाई ए यानी सी बटे में ए। मूलों का गुणनफल होता है सी बटे में ए, क्या होता है सी बटे में ए। अब बस वैल्यू पुट कर दो, सी की क्या होती है, जिसके पीछे एक्स अगर कुछ नहीं होता तो सी की जगह क्या जाएगा सेवन। ए की वैल्यू क्या हमारे पास, जो एक्स के आगे होता है, ए की वैल्यू कितनी है टू, तो आंसर आ गया सेवन बाई टू। तो चेक करो कहां पर, ये नहीं है ये सेवन, ये भी नहीं है सेवन बाई टू, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा आंसर हो चुका है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि पिछली बार भी एग्जाम में आए थे, और इन पे क्वेश्चन एक पक्का बनेगा। पिछला जो स्टेट के एग्जाम में आया था वो मूलों का गुणा और जोड़ दे रखा था, उससे समीकरण पूछा गया था। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, देखो ध्यान से, अगर मूलों का जोड़ और गुणा दे दिया जाए तो उससे हम समीकरण बना दें, वहां से एक वैल्यू उठा लो वो इसके आगे रख देना एक्स के आगे, जो मैंने इक्वेशन था इसमें बी की वैल्यू इसके आगे रख देना, सी पीछे रख देना, समीकरण बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, एक 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग को काट कर एक वृत्त बनाया गया है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। दोबारा क्वेश्चन सुनो दोस्तों, एक 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग को काट कर एक वृत्त बना दिया गया, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। यानी सिंपल क्वेश्चन, एक स्क्वायर था हमारे पास, ये इस प्रकार से क्या था हमारे पास, एक स्क्वायर, इसकी भुजा कितनी थी 11, यानी सारी भुजा स्क्वायर की बराबर होती है, तो सारी कितनी होगी 11 11 होगी। इसको काट कर क्या बना दिया गया, एक सर्कल बना दिया गया, एक एक वृत्त बना दिया गया, तो उस वृत्त की त्रिज्या बतानी दोस्तों, क्वेश्चन ये है। ऐसे क्वेश्चन में तो देखते हैं कैसे सोल्व होगा ये। इसकी जो भुजा है 11 है, 11 ये 11 ये 11, इनका परिमाप निकाल लो,
इस जो वर्ग है हमारे पास, वर्ग का जो परिमाप होगा वो क्या होता है, चार गुना भुजा होता है। कितना होता है, चार गुना भुजा होता है। तो एक भुजा कितने की, 11 की, तो चार भुजा हो जाएंगी कितनी दोस्तों, 11 चौके 44 सेंटीमीटर हमारे पास परिमाप आ गया। अगर हम इसको काटेंगे, यहां से काट दें स्क्वायर को, तो हमारे पास इस प्रकार से एक लंबा तार आ जाएगा जिसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, 44 सेंटीमीटर। आज समझे, यानी वर्ग को तो काटना हमें, इस वर्ग को यहां से काट देंगे सीधा करेंगे लंबा तार हो जाएगा, उसी तार को फोल्ड करके वापस क्या बनाया गया, एक स्क्वायर बनाया गया है, उसी तार को फोल्ड करके क्या बनाया गया, एक स्क्वायर। ये हमने वो सॉरी फोल्ड करके क्या बना दिया गया, रोल करके एक सर्कल बना दिया, क्या बना दिया, सर्कल की वृत्त बना दिया। तो इस वृत्त की त्रिज्या बतानी है, यानी दोस्तों ध्यान देखो, तार तो यही था 44 सेंटीमीटर जो यहाँ पर भी जो है, तो इसका भी जो सर्कमफ्रेंस होती है, इसकी जो परिधि होती है वो या परिमाप वो भी क्या होगा, सेम 44 होगा। और इसकी जो परिधि होती है वृत्त की वो क्या होती है, 2πr होती है। क्या होती है, 2πr होती है। और 2πr है कितनी, जितनी ये थी उतनी है, यानी 44 है। यहाँ से r की वैल्यू निकालो, बस सिंपल था, तो यहाँ वैल्यू पुट करो, 2π की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 r की जा रहे हैं, निकालनी है इज इक्वल टू 44 रख दो आप। अब यहाँ से r की वैल्यू निकालोगे तो मैं थोड़ा इसको इस साइड में लिखता हूँ, इज इक्वल टू कितना हमारे पास, ये 44 था, जो 7 नीचे था वो कहाँ चल जाएगा, ऊपर आ जाएगा, 2 और 22 ऊपर थे ये नीचे आ जाएंगे, बस इतना था। यानी जो गुणाम थे वो भाग में आ गए, भाग में था गुणाम चल गया, काट दो इसको आराम से, ये कट जाएगा 2 से 22 24, 2 से 2 कट गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 7। ये हमारा क्वेश्चन था, आंसर ये रहा। एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ इसको, इसका पहले परिमाप निकालेंगे वर्ग का, वर्ग का परिमाप आ जाएगा 11 चौके 44 सेंटीमीटर। इसी 44 को यूज करना है किसमें, इसकी परिधि में, परिधि कितनी होती है, 2πr होती है, 2πr कितने के दो, 44 यानी उसके बराबर रख दो, वहां से r की वैल्यू निकाल लो, ये दो ऊपर गुणाम थे भाग नीचे आ जाए, बस और कुछ नहीं है दोस्तों, क्लियर है। और एक सिंपल और भी होता है, जब आपको परिधि से व्यास या त्रिज्या निकालनी हो तो आप लिख सकते हो, सीधा लिखना आप त्रिज्या बराबर, आर बराबर होता है परिधि बटे में 2π, परिधि बटे में 2π, या आप लिख दो यहाँ पर 7 पर लिख दो, 7 परिधि गुणा में 7 बटे में 2π, ये क्या होती है, आर होती है। यानी 44 हमारे पास क्या थी, परिधि थी, गुणा में 7 कर लिए, 2π की वैल्यू, सॉरी 22 ऊपर, 7 ऊपर चल गया था, 22 नीचे, काट दो इसको, 22 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 7। ये था दोस्तों इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को कट कर एक वर्ग बनाया गया है, तो वर्ग की भुजा बतानी है। दोस्तों पिछला क्वेश्चन था जस्ट उसका अपोजिट है, जस्ट क्या, इसका अपोजिट है। पिछला क्वेश्चन क्या था, उस वर्ग को काट के वृत्त बनाया गया था, क्योंकि वृत्त को काट कर क्या बनाया गया है, वर्ग बनाया गया है। तो ध्यान से देखना दोस्तों, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, तो ये हमारे पास वो वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 7 है। तो इसको काट के, यानी इसको काटेंगे तार बन गया सीधा, इस तार से फिर क्या बनाना, हमें एक वर्ग बनाना है, इस वर्ग की भुजा बतानी दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसकी परिधि निकालें, क्या निकालें, इसकी परिधि। तो परिधि क्या होती है, 2πr, क्या होती है, 2π की वैल्यू कितनी, 22/7, आर कितनी देखे पर, त्रिज्या कितनी है हमारे पास, 7, तो आर की वैल्यू रख दी हमने 7, तो 7 से 7 कट गया, कितना गया, 22 गुणा 44, तो 44 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गई, परिधि आ गई उस वृत्त की। अब ये जो परिधि होती है, बार बार की लंबाई और कुछ नहीं होता दोस्तों, ये बार बार की जो लंबाई इसी बोलते हैं परिधि। इसको काट दिया तो सीधा तार कर लेंगे खींच के, और खींच के तार के बाद कितना गया हमारे पास, 44 सेंटीमीटर, जितनी परिधि उतनी लंबाई क्या गया हमारे पास, ये तार आ गया। अब इस 44 सेंटीमीटर तार को क्या बनाना है, इसको ऐसे वर्ग बनाना है, तो इसमें ये सारा तार किस में चल जाएगा, वर्ग में चल जाएगा, और वर्ग की दोस्तों सारी भुजा बराबर होती हैं, एक भुजा निकालें, सारी भुजाओं में कितना तार जाएगा, 44 जाएगा, यानी जो इस वर्ग का परिमाप होगा वो भी कितना होगा, 44 ही होगा। एक भुजा निकालनी है दोस्तों, क्या निकालनी है, भुजा, तो 4 हिस्सों में बांट दो इसको, 44 को 4 से भाग कर दो, एक भुजा आ जाएगी, कितनी भुजा आएगी, 11 सेंटीमीटर इसके हमारे पास भुजा आ चुकी दोस्तों। यानी जो इसकी परिधि थी, यानी इसकी परिधि आ गई 2πr से कितनी, 44, उस 44 को ही यूज करके वर्ग बनाना है, और वर्ग की एक भुजा बतानी, यानी चारों भुजाओं का जोड़ कितना है, 44 है, एक भुजा कितनी आएगी, 11 की आएगी, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तो इसमें दिया गया है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहिए को 352 मीटर चलने के लिए
कितनी बार घूमना पड़ेगा। दोस्तों पिछले स्टेट में रिपीट हुआ था, ये स्टेट 2017 का क्वेश्चन है, मैं आपको दोबारा करा रहा हूँ ताकि दोबारा इस प्रकार का क्वेश्चन तो आपको इसको छोड़ के ना आए, आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, यानी एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ध्यान से देखना इसको कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक पहिया, एक पहिया इस प्रकार से होता है, वृत्त की फॉर्म में होता है, किसमें होता है, एक वृत्त की फॉर्म में होता है, और उसकी जो त्रिज्या होती है वो ये होती है, ये कितनी दूरी की है 28, यानी ये जो त्रिज्या कितनी है 28 है। इसको सपोज करो ये दूरी थी हमारे पास, कितने की दे दी, 352 मीटर की दूरी दे दी, यानी 352 मीटर चलने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो ध्यान से देखने वाली बात ये दोस्तों कि इसको एक बार घूमने में कितने मीटर चलेगा, यानी एक बार घूमेगा तो कितने मीटर चलेगा, और जब एक बार घूमेगा तो इसकी परिधि के बराबर घूमेगा, किसके बराबर है, परिधि, यानी जितनी यहां से लेकर यहां तक बार बार की इसकी दूरी होगी, यानी बार बार की लंबाई होगी, वही उतनी उतना चलेगा एक बार में, यानी सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, इसकी परिधि निकालनी पड़ेगी दोस्तों, क्या निकालनी पड़ेगी, परिधि। तो हमारे पास वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2πr, क्या होती है 2πr, यहां से परिधि निकाल लो इसकी, परिधि क्या होगी 2π, की वैल्यू कितनी होती है 22/7, r कितनी है 28 है, काट दो 7 × 28, ये हो जाएगा 4 × 8 2 × 8 = 176, यानी मीटर दूरी तय करेगा एक चक्कर में, एक चक्कर में कितनी तय करेगा 176। तो ध्यान से देखो दोस्तों, अभी कुछ नहीं, अभी तक हमने कुछ नहीं किया, बस इसकी परिधि निकालनी है, क्योंकि परिधि क्यों निकालेगी, एक चक्कर में उतना चलेगा जितना इसकी बार बार की लंबाई होगी, और बार बार की लंबाई होती है दोस्तों परिधि, इसलिए मैंने इसकी परिधि निकाल ली बस। अब ये एक चक्कर में इतना चलेगा तो इतने मीटर चलने में कितने चक्कर करेगा, भाग कर दें बस। तो जो चक्कर आते हैं कि भाई कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, वो होता है दूरी बटे में परिधि, क्या होता है दूरी बटे में परिधि। अब दूरी हमारे पास है कितनी, दूरी कितनी रखी है 352 मीटर, बटे में कितना कर लो 176 कर लो। अब एक चीज ध्यान से देखने वाली बात है दोस्तों कि इसमें ये दे रखा है हमारे पास सेंटीमीटर, क्या दे रखा है ये सेंटीमीटर, और ये दे रखा है हमारे पास मीटर। तो अब इसके ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां पर कि अगर ये सेंटीमीटर ये मीटर है तो इसको भी क्या बनाने पड़ेंगे, सेंटीमीटर बनाने पड़ेंगे। तो इसको भी यानी एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो इसको 100 से गुणा कर दो, किससे गुणा कर दो, इसको 100 से गुणा कर दो, यानी ये भी क्या हो गया, अब सेंटीमीटर हो चुका है। अब काट दो इसको, किससे कट जाएगा ये 2 से कट जाएगा, किससे कट जाएगा 2 से, क्योंकि देखो 2 × 6 = 12, 14 × 1 = 15, 2 × 1 = 3, पूरा ऊपर किससे कट गया 2 से कट गया। तो 100 × 2 = 200, कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे इसको दोस्तों, 200 चक्कर लगाने पड़ेंगे, कितने लगाने पड़ेंगे 200 चक्कर। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे 200। अब एक बार दोबारा देखो दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी, क्योंकि स्टेट में आया था, क्या बताया कि बार भी आ जाइए। तो करना क्या आपको, सीधी सी बात है, चक्कर जो निकालने भी कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे उसमें हो जाएगी दूरी, यानी कितनी दूरी चलने पड़ेगा वो, बटे में परिधि, बस दूरी बटे में परिधि, ये इसका आंसर दोस्तों। यानी दूरी थी हमारे पास कितनी 352 मीटर और त्रिज्या कितनी थी सेंटीमीटर में, तो इसको भी क्या बनाने पड़ेंगे, सेंटीमीटर बनाने पड़ेंगे। तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 352 में 100 से गुणा कर देंगे, हमारे पास कुल दूरी आ गई 352 × 100, यानी 35,200, ये दूरी आ गई। अब परिधि क्या होती है 2πr होती है, 2π की वैल्यू कितनी 22/7, कहां चल जाएगा ऊपर चल जाएगा, r कितनी है 28 है। अब काट दो इसको, और कुछ नहीं करना आपको, ये कट जा 7 × 7 = 28, 4 से यहां काट दो सीधा, 4 × 8 = 32, कितने बच गए 3 × 4 = 32, 2 × 0 = 20। अब ये कट जाएगा 2 × 22 = 22 कितना आ गया 400, फिर 2 से काट दो 400 × 200 कट जाएगा, आंसर आ गया दोस्तों 200 चक्कर, कितने लगाने पड़ेंगे 200 चक्कर, यानी सीधी सी बात दूरी बटे में परिधि, क्या होता है इसका आंसर आता है दोस्तों। कैलकुलेशन तो आप लोगों को आती है क्योंकि आप टीचर बने जा रहे हो, वो सिंपल सी बात है, बस आपको चक्कर निकालने हैं तो दूरी बटे में परिधि करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहिए को 4 किलोमीटर 400 मीटर चलने में कितनी बार घूमना पड़ेगा, कितनी बार घूमना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो दोस्तों, अब की बार ये 7 सेंटीमीटर है, कितना है 7 सेंटीमीटर है, और ये किलोमीटर और मीटर में है, तो इनकी इकाई सेम होनी, जिससे पहली बात यही है, यानी ये सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होना चाहिए, सेंटीमीटर होना चाहिए। तो आप लोग सबसे पहले इसको सेंटीमीटर बदलो,
एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? हजार। तो 4 किलोमीटर में कितने आ गए? 4,000 तो ये आ गए हमारे पास मीटर, और 400 मीटर ये हैं, टोटल हो गए कितने? 4,400 मीटर। कितने हो गए? 4,400 मीटर हो गए। अब इस मीटर के क्या बनाने हैं? हमें सेंटीमीटर बनाने हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 4,400 किससे हो जाएंगे? 100 से गुणा कर दो, किससे गुणा कर दो? 100 से। तो दोस्तों ये आ चुका हमारे पास 4,400, आगे 2 जीरो लगा दो, यानी इतने सेंटीमीटर आ गए, यानी ये हो गई हमारे पास दूरी। क्या आ गई? ये दूरी। अब मैंने बताया था चक्कर सेम टू सेम वही पर्सन है, कितने एक बार घूमना पड़ेगा? तो दूरी बटे में परिधि। चक्कर क्या थे दोस्तों? चक्कर थे हमारे पास दूरी बटे में परिधि, बस यही था, दूरी बटे में परिधि। तो दूरी आ गई, परिधि क्या होती है वो निकाल लेंगे अभी। तो परिधि क्या थी दोस्तों? 2 पाई आर थी, 2 पाई आर थी। अब कर दो 4,400 के आगे 2 जीरो बटे में 2 पाई की वैल्यू कितनी थी? 22/7 कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा। और त्रिज्या कितनी हमारे पास? 7, ये नहीं 7, 2 पाई आर, 2 की जगह ये हो गया पाई, 22/7, 7 ऊपर चल गया और आ गया त्रिज्या, आ गई 7 से 7 कट गया, 2 से काट दो 22 दूनी 44, अब 2 से काट दो 2 1 कम 2 0 कितनी बच गई? 1 2 3 4, यानी 1 के आगे कितनी जीरो? 4 जीरो, यानी कितना? 10,000 इसका आंसर दोस्तों। कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? 10,000 चक्कर इसको लगाने पड़ेंगे। कितने चक्कर है? 10,000 चक्कर। ये रहा आंसर इसका, आंसर नंबर है ए, 10,000 चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो दोस्तों सेम टू सेम पीछे वाला क्वेश्चन करवाया था ताकि अगर किलोमीटर में आ जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले क्या करना, आपको ये दोनों इकाई सेम करनी पड़ेगी, यहां सेंटीमीटर यहां भी सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा, यानी किलोमीटर के पहले मीटर बना लिए और मीटर के फिर सेंटीमीटर बना लिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्रेणी 3, 8, 13, 18, यानी एक ये 10वीं क्लास का क्वेश्चन दोस्तों, पिछली बार स्टेट 2017 में आया हुआ है। तो सेम टू सेम आपको वही क्वेश्चन करवाना एक बार, और फिर इसी के लिए प्रैक्टिस के लिए सेकंड क्वेश्चन भी हमारे पास है कि श्रेणी 3, 8, 13, 18, 3, 8, 13, 18 डैश डैश, यानी ऐसे और भी सारे बहुत सारे पद हैं, में कौन सा पद 78 होगा यानी 78 है, यानी इस श्रेणी में कौन से नंबर का जो पद होगा वो 78 होगा। तो बड़ा आसान है दोस्तों निकालना। सबसे पहले तो मैं आपको इसका जो बेस है, फार्मूला है, उससे करवाता हूँ और बाद में इसकी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है? तो इसका जो पद निकालते हैं उसका फार्मूला होता है, अभी कोई भी टर्म निकालते हैं, मान लो हमने टर्म निकाली एनवी टर्म, तो उसका फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये होता है किसी भी जनरल पद का फार्मूला, जनरल टर्म का फार्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो बस ये बताना मैं कौन सा पद होगा जो 78 होगा, तो वैल्यू पुट कर दो। इसमें ए क्या होती है, ध्यान देखना, ए होती है दोस्तों सबसे पहले दी गई संख्या, यानी श्रेणी में पहले पद को, प्रथम पद को क्या कहा जाता है? ए। तो हमारे पास ए आ चुका है यहां पर कितना? 3। फिर मैंने लिखा यहां पर क्या? डी। अंत तो निकालना भी कितने पद है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हमें, यानी कितने पद है। डी क्या होती है? डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, या नियम बोलते हैं सारांतर। तो ये क्या होता है? बीच में अंतर देख लो बस, कितने अंतर है यहां पर? है 5 का, यहाँ कितने का अंतर है? 5 का, यहाँ कितने का? 5 का। तो जो सब में जितना अंतर होता है उसको बोलते हैं डी, यानी डी की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 5। या दोस्तों डी निकालने का तरीका ये है, अगले पद में से पिछला घटा दो, यानी 8 में से आप 3 घटा दो, 8 में से 3 घटा दो, तो 8 में 3 के कितने बच गए? 5। या फिर 13 में से 8 घटा दो, कितने बच गए? 5। 18 में से 13 घटा दो, कितने बच गए? 5। जो भी बीच का अंतर दोस्तों होता है डी, यानी कि सर्वांतर होता है। ये दो चीज हमें निकालनी होती है किसी भी पद को निकालने के लिए, यानी ए की वैल्यू और डी की वैल्यू। अब बस वैल्यू पुट कर दो। अब यहां लिख दो आप, ए की वैल्यू कितनी आ गई? 3 प्लस n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है? 5। और ये पद है कितना? ये 78 है। कितना? ये 78 है, बस यही तो है। अब कर दो 3 प्लस, इसकी ब्रैकेट खोलो तो ये आ जाएगा कितना? 5n आ जाएगा, 5 एकम 5, देखो 5 की रन क्यों ना 5n, और 5 की 1 से 5 एकम 5 आ गया, इजिकल टू कितना आ गया? 78 आ गया। अब क्या करना हमें? एन को रखना बाकी सब उधर ले जाओ, यानी जो 5n यहाँ रह जाएगा, ये 78 बराबर इधर प्लस का ये ले लो पहले, माइनस का 5 है इधर जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, ये प्लस का 3 है इधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा, यानी जो 5n है ये 78 और 5 83, 83 में से 3 के कितने बच गए? 80। कितने बच गए? 80। तो एन की वैल्यू आ जाएगी गुणा था 5 भाग में आ जाएगा, 16 5 80, यानी कितने नंबर आ गए? 16 पद। कितने पद आ गए? 16। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 16। तो दोस्तों ये उत्तर है, ये था इसका फार्मूले से। अब बाई ट्रिक इसको कैसे करेंगे, बगैर फार्मूला कैसे करेंगे, वो चीज ध्यान से देखना। ये तो मैंने आपको बेस बताया, अभी बेस से कैसे होगा, ठीक है?
अब बाई ट्रिक कैसे सोल्व करेंगे इसको ध्यान से देखो। सबसे पहले कौन सा पद बताना हमें, 78 भी, 78 कौन से नंबर का, आप इसको लिख लो, ये लिख लिया हमने 78, क्लियर है। अब जो पहली पहली संख्या थी, जो ए था, ए पद था हमारे पास, ध्यान देखो प्रथम पद कितना है हमारे पास, 3, इसको घटा दो इसमें से, यानी उस पद में से जो दे रखा है उसमें से पहली पहली संख्या घटा दो, यानी 3 घटा दिया हमने, कितना बच गया इसके अंदर 75, यानी 75 बच गया, कितना बच गया 75, यानी उस पद में से पहली संख्या घटा दो कितना बच गया 75। अब जो बीच का अंतर था कितना का था, बीच का अंतर ये रहा डी, डी को लिखनी 5, इस 5 से भाग दे दो इसको, कितना आ गया 15 पा 75, कितना उत्तर आ गया 15, यहां भाग देने के बाद 15 आ चुका हमारे पास। अब पद बताने हैं तो आप इसमें 1 प्लस कर दो, क्या कर दो इसमें 1 प्लस कर दो, आंसर आ गया बस 16, कितना आ गया 16 हमारा आंसर आ चुका है। दोबारा देखो भी कौन सा पद 78 है, जितने भी कौन सा पद, जब पद निकालना हो तो जो दे रखा है उसमें से पहले आप 78 है तो 78 में से पहली पहली संख्या घटाओ, 78 में से 3 के कितने बच गए 75, कितने बच गए 75। अब क्या करना, जो बीच का अंतर था 8 में से 3 गए 5, उस 5 से भाग कर दो 15 पा 75, जो भी भाग का उत्तर आए उसमें प्लस 1 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, उत्तर आएगा कितना 16, बस ये था इसका शॉर्टकट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसी ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम वैसा ही है कि श्रेणी 21, 18, 15 में कौन सा पद -81 है, श्रेणी 21, 18, 15 में कौन सा पद -81 है। दोस्तों पिछली बार स्टेट में आया था ये भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन था, जो ऊपर था सेम टू सेम वही है, तो ध्यान से देखना आपकी बार भी चांस है इसके रिपीट होने के, तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, हम सीधा ट्रिक से करेंगे, यानी जो हमारा कौन सा पद है वो निकालने के लिए भी कौन सा पद 81 है, तो आपने 81 लिख लिया यहाँ पर, इसमें से पहली पहली संख्या है उसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, 81 में से माइनस कर दो कितना 21, पहली संख्या क्या थी 21, यानी माइनस 81 में से आपको घटाना क्या है 21 माइनस करना है, तो दोनों तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, कितना आ गया 2 और ये हो जाएगा कितना 10, यानी 102 हमारे पास माइनस का यहां पर आ चुका है, कितना 102 माइनस का, कुछ नहीं किया दोस्तों, इसमें से ये संख्या घटानी है, माइनस 81 में से कितना घटाना है पहला पहला नंबर घटाना में, यानी कि हमारे पास पहला पद यहाँ पर 21 है, डी की वैल्यू कितनी है 18 में से 21 गए, घटा के देखो 18 में से 21, तो माइनस के 3 बचेंगे दोस्तों, कितने बचेंगे माइनस के 3, तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी माइनस का 3, डी की वैल्यू आ गई माइनस के 3, क्योंकि 18 3 21। अब कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको इसमें से ये घटा दिया यहाँ पर 21 घटा दिया, कितना आंसर आ गया माइनस का 102। अब इसको डी से भाग कर दो, डी यानी बीच का अंतर कितना था हमारे पास, इसमें से ये घटाना दोस्तों ध्यान देना, 18 में से 21 के 3, 15 में से 18 के 3 माइनस के, तो माइनस 3 से भाग कर दो, 3 से 3 कट गया, काट दो इसको, 3 3 9 बच गया 1 और 3 4 12, कितना आंसर आया 34, जो उत्तर आता उसमें 1 प्लस करना होता दोस्तों, तो हमारा आंसर आ चुका कितना 35, कितने पद हैं इसमें 35 पद हैं दोस्तों, ये था। एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज के सेशन का, और इसको एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ मैं, कि सबसे पहले जो आखिरी का पद होता है उसमें से जो पहला पद उसको घटाएंगे, 81 माइनस में से माइनस का 21 कर लिया हमने, तो 102 आ गया माइनस का। अब अगला स्टेप सिंपल ये था दोस्तों कि बीच का जितना अंतर होता है, यानी 18 में से 21 घटाओ -3 -3 से भाग दे दो, ये दे दिया कितना आएगा 34, और जो यहाँ उतरा तो उसमें प्लस 1 करके हमारा आंसर आ जाता है कितना 35 हमारा आंसर दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो सेशन समाप्त होता है, सभी को आई थिंक अच्छे समझ में आया होगा, फिर भी कोई डाउट है इनसे संबंधित तो आप कॉमेंट्स में लिख सकते हो, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो वीडियो है अपने दोस्तों तक जरूर भेजें, ताकि उनको भी एग्जाम से पहले कुछ बेनिफिट हो, ताकि वे भी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें और अपना स्टेट क्लियर कर सकें। तो इसी उम्मीद के साथ सभी का धन्यवाद।